AB5 मल्टीमीडिया फर्स्ट उत्तराखंड फिल्म अवार्ड जिसका नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेशल अवार्ड, और मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा विनोद गुप्ता जी को और परमेश्वर गौर जी को। विशेष सम्मान जो है आदरणीय पद्म भूषण श्री उदित नारायण जी को जाता है। करवाली पहली फिल्म में मुझे गाने का मौका मिला। लुक लुका छुप छुपामी थैवा देखली झल देखली मी जन झट मुखड़ी लुकैली झल मुखड़ी लुकैली झल मुखड़ी लुकैली। हां क्या बात है। बेस्ट डेब्यू फीमेल अवार्ड गोस टू तुषा भट्ट फिल्म है ज्योति दीना। हमरा उत्तराखंड में हमरा पहाड़ में ठंडी हवा मेरी प्यारी बोली आज ब्योली बनी गए। बेस्ट लिरिक्स के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा राहुल कपूर जी, गोविंद पांडे जी। बेस्ट लिरिक्स है संतोष खेलवाल। सोशल इश्यू गोज टू उर्मी देवी। पारेसर गौड़ जी जिन्होंने नींव रखी उनको विशेष सम्मान से हम सम्मानित करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पे आए। सम्मान तमाम इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का है जो प्रत्यक्ष अप्रोक्स में इसके लिए काम करते हैं। अवार्ड गोज टू हेमंत पांडे जी। नरेश खन्ना जी को ही जाता है ये अवार्ड। बेस्ट फिल्म गोपी वीणा जिसकी प्रोड्यूसर है वीणा जी, इस मंच पर आए। विनोद गुप्ता जी को थैंक यू कहना चाहूंगी कि जो काम हम इतने सालों में नहीं कर पाए हैं एटलीस्ट किसी ने इनिशिएशन लिया है, एंड आई होप कि इससे प्रोड्यूसर्स का एंड डायरेक्टर्स का एंड आर्टिस्टों का हौसला बढ़ता है। सो थैंक यू सो मच विनोद गुप्ता जी, एंड आई होप कि आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है मतलब विनोद जी जिस तरीके से उत्तराखंड को भी आज पहला अवार्ड शो करा रहे हैं तो आगे भी वो ऐसे रेगुलर करते रहेंगे? मैं तो कहूँगा कि वो अगर थोड़ा सा भी उनके दिमाग में ये विचार आए कि वो ना करें तो उससे पहले हमें उन्हें पकड़ लेना चाहिए और उनसे कहना है कि इससे भी बड़े लेवल पे वो करते रहें और हम सब लोगों का जो भी सहयोग है वो लेते रहें और हम उनके साथ। अगर मुझे वाकई में कोई दिल से पूछेगा तो अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है कि इतने साल बीत गए और 2018 में हम ये सोच रहे हैं कि अवार्ड फंक्शन होने की जो चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलो कहीं से हमको बिगिनिंग मिली, इस चीज़ के लिए हमें बहुत खुशी हुई। विनोद गुप्ता जी की ये शुरुआत बहुत आगे जाएगी और बहुत जल्दी हम उत्तराखंड सिनेमा में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देखेंगे और इसी तरह ये अवार्ड फंक्शन चलता रहे। एक्साइटमेंट बहुत है, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई में पहली बार हो रहा है ये, हद ही शुभ मौका है कि विनोद गुप्ता जी ने इतना बड़ा कदम उठाया और उनकी वजह से ये संभव हो पाया कि इस तरह से एक अवार्ड सेरेमनी हो रही है। तो हर एक कलाकार या टेक्नीशियन हमेशा चाहता है कि उसके काम की एक परीक्षा हो और रिजल्ट उसको मिले।